उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रायपुर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर सीएम विष्णुदेव साय ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट से उपराष्ट्रपति राजभवन पहुंचे, जहां राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से मुलाकात की। यहां उपराष्ट्रपति इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जाएंगे, जहां वो कृषि विश्वविद्यालय के 38वां स्थापना दिवस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उसके बाद शाम 4 बजे वो विधानसभा पहुंचेंगे, जहां विधानसभा के सभी सदस्यों को संबोधित करेंगे। उनके साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ में संसदीय परंपराओं को निभाया जाता है और उसी के तहत आज 2 दिन का माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी के मार्गदर्शन में 2 दिन का विधायकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम है। और ये हम सब विधायकों का सौभाग्य है कि देश के मूर्धन्य लोकसभा के अध्यक्ष जी, राज्यसभा के चेयरपर्सन और उपराष्ट्रपति धनखड़ जी, हमारे केंद्र के मंत्री मनसुख मंडाविया जी और कल इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी आने वाले हैं, और उनके माध्यम से हमारे नए और पुराने सभी विधायकों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, उनके अनुभव का लाभ मिलेगा। 3 साल में एक बार मनाया जाने वाला आदिवासियों का ये बार महोत्सव पेंड्रा में मनना शुरू हो चुका है, इसका आगाज हो चुका है। 3 दिनों तक चलने वाले इस समारोह में आदिवासी समुदाय के युवक युवतियां पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य करते हैं। गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले के वनांचल गांव आमा गांव में बार उत्सव मनाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ पेंड्रा जिले के गंगई नेचर कैंप में नौकायन की शुरुआत हुई। वन विभाग ने पर्यटकों के मनोरंजन के लिए नौकायन का आयोजन किया, जिसका जायजा लेने कलेक्टर SPDFO और पर्यटन नोडल ने जायजा लिया। नौकायन की शुरुआत होने से स्थानीय लोगों में उत्साह भी देखा गया।